नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कंज्यूमरिस्ट किंग, जहां पर हम आपको आपकी लाइफ का अपग्रेडेड वर्जन बताने वाले हैं। जी हाँ, नया साल 2022 और इस नए साल में हमारी जिंदगियों में नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी दस्तक देने को तैयार है। इनफैक्ट दस्तक देना शुरू भी कर दिया है, शामिल भी हो गई है यहाँ पर। और ये किस लिहाज से आपकी जिंदगियों में शामिल होने वाली है, किस तरह की टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रही हूँ? ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा। इसमें चाहे मेटावर्स की बात हो, जो कि एक काल्पनिक दुनिया है, होम ऑटोमेशन गैजेट्स हो, फिटनेस गैजेट्स हो या स्मार्ट टेक्नोलॉजी हो, यहाँ पर आपको बता दें कि इन्हीं तमाम टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स पर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। और मेरे साथ खास मेहमान भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, कोरोवर के फाउंडर अंकुश सब्रवाल, फिटनेस एक्सपर्ट यश अग्रवाल और गैजेट्स टू यूज के फाउंडर अभिषेक भटनागर। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। तो सबसे पहले तो मैं बात करने वाली हूँ मेटावर्स की, और जिसका बहुत बोलबाला है। एक ऐसी दुनिया यहाँ पर बनाई दी जाएगी या देखने को मिलेगी जहाँ पर आप वर्चुअली रियल होंगे। अंकुश, बताएं हमें विस्तार से, मेटावर्स 2022 में हमारे लिए किस तरह की नई जिंदगी का एक मोड़ होगा? बिल्कुल, शुक्रिया मुझे खुलाने के लिए। मेटावर्स एक ऐसा सेक्टर आने वाला है जिसमें हम हर चीज को वर्चुअली देखेंगे, इवन अपने आप को भी। जो अभी हमने ऑलरेडी देखना शुरू कर दिया है फिजिकल शॉप्स को वर्चुअली, लेकिन अभी अपने आप को वर्चुअली देखना शुरू करेंगे। अगर आपको पता है AI वीडियो बॉट कोरोवर का जो IP है, कोरोवर का जो प्रोडक्ट है, तो उसमें हम किसी का भी एक वर्चुअल पर्सोना बना सकते हैं और कोई भी आपसे बात वर्चुअली कर सकता है, आप लाइव अगर है या नहीं भी। तो अगर आप अब आप देखेंगे Web 3.0, एक तो मेटावर्स जिसमें हर चीज वर्चुअल होगी और कनेक्टेड होगी। अब क्या होता था कि एक यूजर कंप्यूटर से बात करेगा, Web 3.0 में कंप्यूटर कंप्यूटर से बात करेगा और यूजर हम ह्यूमन एक वर्चुअल फॉर्म लेगा और हर चीज कनेक्टेड होगी, वेरिएबल डिवाइसेस ज्यादा आएंगी और कुछ चीजें जो ऑलरेडी आ चुकी हैं वो काफी इंप्रूव होंगी। सो विद AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कन्वर्सेशनल AI, वर्चुअल असिस्टेंट, उसके हम यूज केसेस काफी देखेंगे अभी हम रोजमर्रा की जिंदगी में। लेकिन अभिषेक, कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हम होती हुई भी देख रहे हैं। जो बहुत ही मंझे हुए टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं या जो मंझे हुए एक तरह से प्रोफेशनल्स हैं, दुनिया के अलग अलग कोनों में इस तरह की रियल AI की जिंदगी जी रहे हैं। कैसे आपको लगता है कि हमारी जिंदगी के हर एस्पेक्ट में ये शामिल हो जाएगी? जी, अभी तो करेंटली गेमिंग के अंदर मेटावर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे से यूज में आ रहा है और अब धीरे धीरे कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के अंदर ये आने वाला है। अभी तक जैसे हम जूम कॉल पे मीटिंग करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, कहीं ना कहीं जूम कॉल के अंदर भी ये सब चीजें होंगी। जैसा कि बताया गया है पहले भी कि आपका एक अवतार जो है बना दिया जाएगा और वो अवतार जो है उससे कोई भी कभी भी बात कर सकता है। ऐसे ही आप एक वर्चुअल अपना ऑफिस बना सकते हैं और आप किसी को भी अपने वर्चुअल ऑफिस में इन्वाइट कर सकते हैं, और आप वहां नहीं भी हैं तो आप अपने आप को रिकॉर्ड करके उस 3D अवतार के थ्रू उनसे बात कर सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में ये सबसे पहले आएगा, चाहे वो बिजनेस हो या फिर पर्सनल कम्युनिकेशन हो, वहां पे आपको मेटावर्स का काफी अच्छा इस्तेमाल देखने को मिलने वाला है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर हम 5G टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे हैं अंकुश, और ऐसे में मेटावर्स की भी बातचीत चल रही है, जहाँ पर समझाया अभिषेक ने कि कैसे कम्युनिकेशन सेक्टर में इसका बोलबाला पहले शुरू हो जाएगा और कैसे एक्सपेरिमेंट के तौर पर तो गेमिंग में ऑलरेडी हम इसको देख ही रहे हैं। अगर हम इसको 5G रोल आउट के साथ देखते हैं तो ये टेक्नोलॉजिकली कितना बेंचमार्क साल होगा हमारे लिए? बिल्कुल, 5G एक बैकबोन की तरह हमारी लाइफ में आएगा। 5G से इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी, बैंडविड्थ बढ़ेगी और
एक बैकबोन जैसे ही आएगा तो उसमें जो भी टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती थी उसका एक इफेक्टिव यूज होगा। जैसे हम एआई की बात करते हैं तो एआई में काफी डेटा बैंडविड्थ की जरूरत होती है, तो अभी भी अगर हम देखें जो 3G 4G है तो मैक्सिमम हमें 30-40 Mbps स्पीड मिलती है मोबाइल में। तो अब जनरली हम मोबाइल रहते हैं तो उसमें जैसे ही हमारा इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी बैंडविड्थ बढ़ेगी तो जो यूज केसेस ऑलरेडी हम देख रहे हैं उसको हम यूज करना शुरू करेंगे। अभी जैसे पहले भी बोला अभिषेक ने कि जो मेटावर्स है तो वो कम्युनिकेशन में पहले आएगा। तो कम्युनिकेशन एक्चुअली आपको जरूरत होती है जब थोड़ा आप घर के बाहर भी होते हैं रिमोटली या बाकियों से कनेक्ट करते हैं। तो जैसे ही 5G आएगा इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी तो यूज केसेस बढ़ेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेटा इतना चाहिए, सिर्फ दो लोगों के बीच में डेटा नहीं चाहिए। तो उसको एक कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए आपको एक मल्टीपल कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने बोला कि जैसे लाइव चैट होगा तो उसमें सपोज हम लाइव चैट बात कर रहे हैं तो बीच में अगर एक किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ रही है तो हम उसको वर्चुअली हम इनवाइट कर सकते हैं मेटावर्स में। तो वो पॉसिबल थ्योरेटिकली अभी भी है, एल्गोरिथम्स प्रोग्राम्स अभी भी हैं, तो लेकिन अभी वो दिखता क्यों नहीं है? बिकॉज बैंडविड्थ की प्रॉब्लम है। जैसे अभी भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं 30-40 Mbps अरेंज कर पाऊँ ऑन द गो। तो जैसे ही अगर हमें 100 Mbps 200 Mbps ऑन द गो मिलना शुरू होगी, अभी जैसे कह रहे हैं कि 5G से अराउंड 100x 100 टाइम स्पीड बढ़ जाएगी जो अभी हम दिख रही अभी हमें जो मिल रही है, तो फिर हम जो भी थ्योरी में बना है और जो प्रोग्राम्स बने हैं उसका प्रैक्टिकल यूज हमारे डेली लाइफ से कनेक्टेड होगा। मतलब हम जो भी कर रहे हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड होगा और जो बाकी भी कर रहे हैं वो हमसे कनेक्टेड होगा। तो वही है कि इफेक्टिवली चीजों को यूज करेंगे और हाँ काफी फायदा मिलेगा। तो अगर मैं मेटावर्स को ही एक आधार लेकर चलूं, अब तक तो हम सिर्फ इसके प्रोफेशनल इस्तेमाल की बात कर रहे हैं जो कि एक बेसिक फाउंडेशन तो ऑलरेडी इसकी लेड है और हम सब उस तरह की जिंदगियां कुछ हद तक तो जी ही रहे हैं, लेकिन यश फिटनेस के लिहाज से मेटावर्स कितना कितना क्रांतिकारी आइडिया हो सकता है, या किस तरह से हमें अगर हम मेटावर्स की दुनिया में फिटनेस को समझना चाहें तो हम बदलाव देखेंगे? जैसे कि हम जानते हैं कि लाइक आज के जमाने में आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, राइट? तो इसमें क्या होता है ना कि बहुत बार हम कुछ आज हमें जिम जाना है या कुछ वर्कआउट करना है कि वो प्रॉपर हम ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं, बट ये जब टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं इससे हम प्रॉपर ट्रैकिंग कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज का। हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं या जो भी हम खाना पीना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ये हम वॉकिंग कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, ये बहुत हद तक काम आ सकता है। तो इसके लिए आप अलग अलग ऐप यूज कर सकते हो, जैसे कि अपना गूगल फिट हो गया, स्ट्रावा हो गया, बहुत सारी चीज आप यूज कर सकते हो। काफी सारे फिटनेस के ऐप्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गए, आप इसको यूज करेंगे बेटर तरीके से तो काफी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। मोर ऑफ दैट लाइक आपका ये चार्ट के ऐसा काम करता है, जैसे कि बहुत बार क्या होता था कि अभी कोविड के बाद काफी चीज चेंज हो गए। पहले तो क्या था कि हम जिम जाते थे, एक रूटीन ट्रेनर सेट कर देता था, बट आज की तारीख में काफी चीज पॉसिबल नहीं है। तो आप ऑनलाइन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकते हो, साथ ही साथ वो हर एक चीज को मैनेज कर सकते हो ये इस चीज के द्वारा। चलिए और भी इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल मेरा समझने का नजरिया, शायद अभिषेक इस पर जवाब दे सके। अभिषेक, फिटनेस की दुनिया में बदलाव आएगा मेटावर्स की वजह से? अब बिल्कुल आएगा, एंड ऑलरेडी मैं एक स्टार्टअप को जानता हूं जो कि अभी मेटावर्स को यूज करके आपको 3D में रन करने को अलाउ करते हैं, यानी कि अगर आप चाहें तो आप घर बैठे बैठे रन भी कर सकते हैं। जी हाँ, आपको डेफिनेटली ट्रेडमिल पे रन करना होगा, तब आप अपने आप को देख पाएंगे कि कैसे 3D एनवायरमेंट में आप एक मैराथन रन कर रहे हैं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं मैपिंग होगी कि आप घर में ट्रेडमिल पे भाग भाग रहे हैं और आपको बाद में एक एक्चुअली में वर्चुअल दुनिया में भागता हुआ अपना एक कैरेक्टर, एक अवतार दिखेगा, और वो एक्चुअली में आप घर में बैठे बैठे मैराथन रन कर पाएंगे, जो कि कोविड के समय में आई थिंक एक परफेक्ट सिनेरियो होगा बहुत से लोगों के लिए। तो लेकिन अभिषेक, ऐसा बहुत कुछ तो आजकल हम गेमिंग में भी होता हुआ देख रहे हैं, तो इसमें नयापन क्या हमें आता हुआ देखने को मिलेगा? घर में अगर आप ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं और मेटावर्स आपको एक वर्चुअल एक्सपीरियंस देगा, तो वो कई तरह की गेम्स में भी हम आजकल आता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल, ये बात
बात आपकी सही है कि कई तरह के गेम्स के अंदर भी एक्सपीरियंस ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं उन गेम्स को खेलने वाली जो ऑडियंस है, जो लोग हैं, वो नॉर्मली बहुत यंग होते हैं। लेकिन जब मेटावर्स की बात आती है तो ये एक एक्सपीरियंस ड्रिवन दुनिया है, एक ऐसी 3D वर्चुअल दुनिया जिसमें कोई भी कनेक्ट हो सकता है, चाहे आप रनिंग के थ्रू मेटावर्स को यूज कर रहे हैं फिटनेस के लिए, या फिर आप अपनी कम्युनिकेशन में यूज कर रहे हैं, या फिर गेमिंग में यूज कर रहे हैं। एट द एंड आप मेटावर्स में जा चुके हैं और उससे कनेक्ट हो चुके हैं, और वही फ्यूचर है। और कहीं ना कहीं मेटावर्स आपकी लाइफ का पार्ट कब बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। राइट, चलिए, तो मेटावर्स हमारी लाइफ का बहुत अहम हिस्सा होने वाला है बहुत जल्द। लेकिन होम ऑटोमेशन के लिहाज से भी हम काफी अपग्रेडेशन देखेंगे, हम ऐसी जिंदगी देखेंगे जो कि एक क्लिक पर आधारित होगी। अंकुश, समझाएं हमें होम ऑटोमेशन में और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें मिलेंगी इस साल, और वो तमाम लोग जो कि घर में काम करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं या समय नहीं मिलता है, किस तरह से अपग्रेडेड एंड अपडेटेड टेक्नोलॉजी हमारे काम की हो सकती है। बिल्कुल, अभी जैसे काफी कंपनीज इसमें काम कर रही हैं होम ऑटोमेशन में, अमेजॉन, गूगल, जैसे गूगल होम्स प्रोडक्ट है और अमेजॉन का एलेक्सा है, तो उसमें ऑलरेडी कुछ चीजें कनेक्टेड हैं, जैसे लाइट कनेक्टेड है, आप टीवी, फ्रिज कनेक्ट कर सकते हैं जो वाईफाई इनेबल्ड है, तो वो तो हो रहा है। लेकिन जो मैं अब नेक्स्ट देख रहा हूँ, शायद वो उसका अगर कमर्शियल वर्जन अभी इस साल आएगा या नहीं, बट आई थिंक उसके POCs होना शुरू हो जाएंगे, कि अब सोचो एक वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन तो अभी वाईफाई से कनेक्टेड है, कोई भी आप लेटेस्ट वर्जन लेते हो तो वाईफाई से कनेक्टेड है, अगर उसमें थोड़ा AI आएगा, अभी AI नहीं है, इट्स जस्ट ऑटोमेशन है अभी। अब सपोज कि आपने डिटर्जेंट उसमें डाल दिया, जब अभी हम डिटर्जेंट डालते हैं जब वॉश करना है, सपोज हमने 1 लीटर उसमें डाल दिया, जब उसको लगेगा अच्छा अगर 20% रह गया तो आपको एक अलर्ट आ जाए, ये फर्स्ट लेवल हो गया। तो अगर आप सोचो कि अगर अलर्ट आने के साथ साथ मेरा अगर कॉमर्स पोर्टल में, ई कॉमर्स पोर्टल में ऑर्डर भी चला जाए और खत्म होने से पहले में मुझे एक नया डिटर्जेंट भी मिल जाए, राइट, तो मुझे ऑर्डर भी नहीं करना पड़ेगा। तो उस तरह की चीजें, जैसे अगर मैं ई शॉपिंग का बोला तो वो भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो अगर वॉशिंग मशीन में अगर मैं वो इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ वो भी कंप्यूटर है। कनेक्टेड सिस्टम वेब थ्री में क्या, वेब टू में, अभी जो हम वेब टू में, उसमें क्या है कि एक सर्वर होता है और बाकी यूजर्स क्लाइंट्स होते हैं, तो सर्वर से डेटा क्लाइंट में आता है। तो अब जो हम वेब थ्री की बात कर रहे हैं उसमें कंप्यूटर कंप्यूटर से बात करेगा और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसिस रहेंगे और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स रहेंगे और सोशली भी हम कनेक्टेड रहेंगे। तो ऐसी तरह की मैं टेक्नोलॉजी देख रहा हूँ, शायद कमर्शियल इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा टाइम लेगी, बट मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंट्स होना शुरू हो जाएंगे। और अभी भी जैसे कुछ चीजें, सपोज आप लाइट लाते हैं तो वो शायद एलेक्सा के साथ चलेगी या गूगल के साथ नहीं चलेगी, एप्पल में चलेगी, एंड्रॉइड में नहीं चलेगी, तो मुझे लगता है वो थोड़ा उसको थोड़ा और ओपन अप होने की जरूरत है। जैसे ब्लूटूथ किसी के साथ भी चलता है, तो ये जो कनेक्टेड वेब है तो मुझे लगता है थोड़ी और टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक होगी। और अगर मैं रोजमर्रा की जिंदगी में बात करूं, जो हम खुद ही इतना एक्सपीरियंस अच्छा करने वाले हैं कि जैसे अगर आपको पता है इंडिया में ई कॉमर्स सिर्फ 3% है, जस्ट 3%, अमेरिका भी इतना एडवांस नहीं है, उसमें 15% है। तो वो क्यों है? क्योंकि जब हम शॉपिंग करते हैं तो उसमें इतना सिंपल नहीं है, हम प्रिविलेज्ड लोग हैं, शायद हमारे लिए थोड़ा इजी है, बट नॉट द होल इंडिया। उसमें हम बोलते हैं ऐड टू कार्ट, चेक आउट, राइट। अगर आप सोचो हम दुकान में जाते हैं, बोलते हैं भैया मुझे आशीर्वाद आटा के 10 बैग दे देना, अच्छा 5 और दे दो, कितना हुआ? अच्छा तो आप एक निकाल दो, अब कितना हुआ? ठीक है भैया दे दो। तो व्हाट एवर आई जस्ट सेड, ये हम दुकान में जाके, किराना ग्रॉसरी स्टोर में जाके बोलते हैं, हम खुद, मैं इतना फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, वी हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड, वो यूजर्स ऑलरेडी ऐसे बात करके शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेन टिकट भी बुक करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि मुझे बैंगलोर से दिल्ली लोरी के 5 दिन के बाद जाना है राजधानी में 3-tier AC में, तो बुक कर दो, एज सिंपल एज आई जस्ट सेड। तो जो मेटा है, सो इट्स काइंड ऑफ गेटिंग इम्प्लीमेंटेड नाउ, इट्स नॉट वेरी फ्यूचरिस्टिक,
तो ये हम देखना शुरू कर रहे हैं और यूज केसेस बढ़ेंगे और मुझे लगता है हम अपने आप को अलग नहीं कर पाएंगे टेक्नोलॉजी को, दैट वुड बी वेरी मच पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, जो समझा रहे हैं अंकुश, ये हमारी जेब पे कितनी भारी पड़ेगी? ठीक है, हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, बहुत पेसी भी हो जाएगी, हम वेल कनेक्टेड भी होंगे, भले ही फिजिकली ना हो लेकिन कहीं ना कहीं डिजिटली कनेक्टेड होंगे, लेकिन चुकाना तो कुछ पड़ेगा ना इसके लिए भी? नहीं, सो इनफैक्ट अगर यूजेज बढ़ेगा तो कॉस्ट रिड्यूस होगी। अगर आप देखो कि अगर मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो हमने बना दिया है, तो सपोज इंडिया की सिर्फ 3% पॉपुलेशन उसको यूज कर रही है, राइट? तो अगर इकोनॉमी ऑफ स्केल की बात करो, अगर वो 3 से, मैं नहीं कह रहा 100% पहुंचेगी, 3 से 20 में भी पहुंचे, राइट? मैंने तो जो R&D में खर्चा किया तो वो तो उतना ही लगा। जैसे ही यूजेज बढ़ेगी मेरी कॉस्ट कम होगी, इनफैक्ट जैसे यूजर्स बढ़ेंगे मेरे पास रेवेन्यू की अपॉर्चुनिटीज और होंगी, राइट? अगर कोई हमसे कुछ सामान खरीद रहा है, टिकट खरीद रहा है, बोले तुम इंश्योरेंस भी ले लो, राइट, मैं टैक्सी भी बुक कर लो, राइट? अगर यूजर्स बढ़ते हैं, कॉस्ट मुझे लगता है बढ़ेगी नहीं, कम होगी, क्योंकि R&D कॉस्ट सेम है यूजेज में। ठीक है, बैंडविड्थ थोड़ा उसका कॉस्ट पड़ेगा, डेटा का थोड़ा यूजेज बढ़ेगा तो थोड़ा कॉस्ट पड़ेगा, लेकिन वो उतना कॉस्ट नहीं बढ़ेगा जितना जो R&D में कॉस्ट लगता है और जो एक प्रोडक्ट या फीचर यूजर को देने में लगता है, वो काफ़ी कम हो जाएगा जब यूजेज बढ़ेंगे और रेवेन्यू मेकिंग अपॉर्चुनिटीज काफ़ी बढ़ेंगी। बिल्कुल अभिषेक, स्मार्टफोन की दुनिया के बदलाव मुझे बताइए। स्मार्टफोन की दुनिया एक ऐसी है जिसमें लगातार बदलाव तो होते ही रहते हैं, है ना? नई नई तरह के फोन्स लॉन्च होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ होते हैं, हल्का सा भी कुछ अपग्रेड हो जाए तो कंपनियां इस तरह से उसे बेचती हैं जैसे कि एकदम नायाब और अनोखी टेक्नोलॉजी है। तो 2022 में ऐसा क्या अनोखा और नया हम स्मार्टफोन की दुनिया में आता हुआ देखेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ऑगमेंटेड रियलिटी जो है 2022 में हमें देखने को मिलेगी, स्मार्टफोन्स और ज्यादा उसको सपोर्ट कर सकते हैं। और इसमें यहाँ तक स्मार्टफोन की बात नहीं हो रही है, इवन वेरेबल्स की बात भी अगर हम करें तो स्मार्ट ग्लासेस की आप बात सोच सकते हैं, स्मार्ट वेरेबल्स के फॉर्म में जो आपको मिलेंगे। स्मार्टफोन्स के अंदर ऑगमेंटेड रियलिटी का सपोर्ट रहेगा, तो मान लीजिए कि आप किसी भी शॉप पे कुछ परचेज करने जा रहे हैं और आप उस शॉप में घुसे बिना किसी कैफे के अंदर, मान लीजिए आप कॉफी पीने जा रहे हैं और कैफे में घुसे बिना आप उसका मेन्यू देखना चाहते हैं, वहां के रिव्यू पढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने स्मार्टफोन का कैमरा उस कैफे में पॉइंट आउट करेंगे और आपको पूरे के पूरे रिव्यू जो हैं वहां पे देखने को मिल जाएंगे ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से, आपके स्मार्टफोन के ऊपर उस कैफे के ऊपर कैमरा पॉइंट करते ही। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं फ्यूचर में लोगों को और एम्पावर करेगी ऐसी इंफॉर्मेशन पाने के लिए जिसके लिए उनको किसी से बात नहीं करना पड़ेगा, और ये आपके पूरे मार्केट्स वगैरह में इम्प्लीमेंट होगी। कहीं ना कहीं ऑफलाइन मार्केट को ऑनलाइन अगर लेके जाना है और एक तरह से एक ऑनलाइन इंटरेक्शन में स्मार्टफोन के थ्रू जोड़ना है वहीं के वहीं उस आउटलेट को, तो ऑगमेंटेड रियलिटी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगी जो कि आपके स्मार्टफोन पे भी सपोर्ट होगा और साथ साथ स्मार्ट ग्लासेस भी आएंगे जहां पे आपको ये सब चीजें करने का मौका मिलेगा, क्योंकि उन्हीं स्मार्ट ग्लासेस में एक छोटा सा कैमरा भी रहेगा। ऑलराइट, मुझे आपसे कुछ और सवाल पूछने हैं पंचोल डिस्प्ले को लेकर और फास्ट चार्जिंग ऑप्शंस को लेकर जो कि चर्चा में है इस साल होंगे, लेकिन उससे पहले यश, 2022 में फिटनेस के लिहाज से हम क्या नया आता हुआ देखेंगे ये बताएं। सो जैसे कि हम देख रहे हैं कि इतने साल तक है ना, लोग काफी बार है ना फिटनेस को लेके पीछे रह चुके हैं, अभी 3-4 साल से जैसे कोविड की मात्रा बढ़ी है तो लोग और ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं फिटनेस को लेके। तो 2022 में ऐसा होने वाला है कि मैक्सिमम ऑफ देम लाइक है ना काफी लेके इंडिया के पॉपुलेशन को आप देखेंगे कि काफी पीछे अभी भी फिटनेस को लेके, बाहर के जैसे फॉरेन कंट्रीज में जितना अभी भी महत्व दिया जाता है फिटनेस को, इट्स लाइक अ काइंड ऑफ अ फेस्टिवल, लाइक अगर फिटनेस में नहीं हो तो आप अपना दिन की शुरुआत कैसे करोगे। सेम चीज है इंडिया में 2022 में आप देख सकोगे, एंड काफी चीज है ना ओवरऑल लोगों में हेल्थ एंड फिटनेस में चेंजेस आते हुए दिखाई देगा, प्लस इम्यूनिटी डेफिनेटली बढ़ते हुए नजर आएगी, प्लस मोर देन दैट लोग ये विश्वास करेंगे कि फिटनेस अगर रहेगा उनका अच्छा हेल्थ रहेगा अच्छा फिटनेस रहेगा तो बहुत चीज हो सकता है कि वो डॉक्टर्स के पास कम विजिट करेंगे या नहीं विजिट करेंगे, बिकॉज आप देखोगे कि 3-4 साल में लोग ने जितना डॉक्टर्स के पास विजिट किया है एंड
खासकर कि डॉक्टर्स के आज के तारीख में जो फीस हो चुके हैं बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये इंपॉर्टेंट प्ले करेगा 2022 में। लोगों में समझ आ जाएगा कि फिटनेस में रहना बहुत जरूरी है, डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ एक्टिविटी, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ज्यादा नहीं तो स्टेयर केस यूज करिए जितना हो सके, आप कहीं पे भी जा रहे हो स्टेयर केस, वॉकिंग करिए जितना हो सके, घर पे 15 से 20 मिनट निकाल के कुछ एक्सरसाइज करिए, घर पे आप बहुत सारी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आप कुशन का इस्तेमाल कर सकते हो, अपने घर पे जो पानी की बॉटल 1 लीटर के पानी की बॉटल को आप लेके उसको आप डंबल्स के फॉर्म में यूज कर सकते हो, या घर पे आप कुछ रेजिस्टेंट बैंड और स्किपिंग रोप, ये सब चीज की आप एक्टिविटीज को है ना घर पे आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ना हर एक चीज घर पे करना बहुत पॉसिबल है, बट इसको आपको सही ढंग से करना पड़ेगा, कोई प्रोफेशनल गाइडेंस के अंदर करोगे तो आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे से आएगा। लगभग 2 साल में सीख ही ली है, समझ ही ली है, मेरे ख्याल से आने वाले समय में हम फिटनेस को लेके जो वेरिएबल्स की मात्रा है उसमें इजाफा देखेंगे, बहुत सारे फिटनेस ऐप है जिनकी तादाद भी हम बढ़ता हुआ देखेंगे, लेकिन आपके पास मैं आऊंगी। अभिषेक मुझे ये बताएं कि फिटनेस के लिहाज से किस तरह की स्मार्ट टेक्नोलॉजी आप लॉन्च होती हुई देख रहे हैं? जी अभी करंटली स्मार्ट वॉचेस के अंदर फिटनेस से रिलेटेड जो नए नए फीचर्स उभर के आए हैं वो कोविड के आने के बाद ऐसे हैं कि आपकी जो वॉच है वो आपकी हार्ट रेट के साथ साथ आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल भी आपको बताती है, SPO2 मेजरमेंट भी देती है। तो ये सारे फीचर्स जब वेरेबल्स के अंदर आ रहे हैं, स्मार्ट वॉचेस के अंदर आ रहे हैं, स्मार्ट बैंड के अंदर आ रहे हैं, यानी कि लोगों को ये फीचर्स चाहिए और बहुत से लोग इन फीचर्स की वजह से भी नई नई स्मार्ट वॉचेस जो है खरीद रहे हैं। और आज के समय में अच्छी बात यह है कि वेरेबल इंडस्ट्री अब धीरे धीरे उठ रही है और कहीं ना कहीं ऐसी वॉचेस जिसके अंदर आप अपने बॉडी का टेम्परेचर नोट कर सकते हैं वो भी सिर्फ 2000 के अंदर आ जाती हैं। तो 5000 के अंदर आपको ऐसी स्मार्ट वॉचेस आज के समय में मिल जाती हैं जो कि आपका हार्ट रेट, आपका बॉडी का टेम्परेचर, आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल सब कुछ आपको बता देती हैं, ताकि आप वो इन्फॉर्मेशन लेके कम से कम आपको एक आइडिया रहता है कि आपके हेल्थ का स्टेट क्या चल रहा है और फिर उसके हिसाब से आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायर्ड हो। बिल्कुल, ये आपने अच्छी बात कही है कि आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके ही इस तरह के ऐप्स और इस तरह के गैजेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ तक फिटनेस की बात है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं तो अभिषेक, पंच होल डिस्प्ले 2022 में एक नया स्टैंडर्ड होगा और हम फास्ट चार्जिंग को लेकर जो बैटरी के विकल्प हैं उसमें भी बदलाव देखेंगे। किस तरह से फोन्स के लिहाज से अगर मैं समझूँ या डिजिटली अगर मैं समझूं गैजेट्स के लिहाज से तो क्या नयापन होगा और ये पंच होल डिस्प्ले ये सब क्या है? देखिए पंच होल डिस्प्ले बोले तो ऐसा डिस्प्ले जिसके अंदर सिर्फ उतना ही पार्ट गोल कटआउट है जितना आपका फ्रंट कैमरा है फोन का, तो ऐसे में उसी को बोला जाता है पंच होल डिस्प्ले जिसमें सिर्फ कैमरे जितना कटआउट है और बाकी पूरा जो ग्लास है वो आपका एक डिस्प्ले होता है फोन के ऊपर। और ऐसे में ये टेक्नोलॉजी 2022 में सभी फोन में देखने को मिलने वाली है क्योंकि ये एक नया ट्रेंड है अब। और साथ ही साथ इवन 2022 में जो आईफोन 14 आने वाला है उसमें भी पिल शेप्ड का, यानी कि थोड़ा सा चौड़ा थोड़ा राउंड रेक्टेंगल जैसा एक पंच होल आने वाला है ऐसा कहा जा रहा है। तो फाइनली नॉच जो हटने वाली है। इसी के साथ बैटरी के बारे में बताना चाहूंगा कि फास्ट चार्जिंग वाले फोन आने शुरू हो गए। इसमें सबसे पहले शाओमी ने अपना फोन लॉन्च किया है, शाओमी का 11i हाइपर चार्ज जो कि 120 वॉट की चार्जिंग के साथ आता है और ये फोन सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। तो सोचिए जितने में आपने कॉफी पी इतने में आपका फोन जो है फुल चार्ज हो गया। इस तरह के और फोन्स फास्ट चार्जिंग हमें देखने को मिलेगी क्योंकि बैटरी की टेक्नोलॉजी में और बेहतर इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं। अब ग्रेफीन का इस्तेमाल किया जा रहा है बैटरी के अंदर ताकि उस बैटरी की लॉन्गजिविटी बनी रहे और कहीं ना कहीं आपको फास्ट चार्जिंग से आपके फास्ट लाइफस्टाइल में आपका फोन जो है फटाफट चार्ज होगा। जितने में आप कॉफी पीते हैं, जितने में आप नहा के आते हैं, आपका फोन जो है 0 to 100% फुल चार्ज हो जाएगा, वो भी पूरे दिन के लिए। आप इतनी सारी जानकारी हमें दे रहे हैं तो ये बताएं कि कैमरा के लिहाज से कोई इनोवेशंस देखेंगे हम फोन्स में या स्टैंड अलोन कैमरा ब्रांड्स कुछ तरह की इनोवेशंस कर रहे हैं क्या? देखिए अब कैमरा के अंदर जो बहुत ही ज्यादा सेफ तरीके से मैंने देखा है चाइनीज कंपनीज या फिर कोई भी स्मार्टफोन कंपनी आजकल खेल रही है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ मेगापिक्सल पे ध्यान दे रहे हैं।
कहीं ना कहीं मेगापिक्सल बढ़ाने से उनको वो फोन बेचने में आसानी होती है, लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट, बहुत ज्यादा कुछ अमेजिंग इंप्रूवमेंट हमें कैमरा में देखने को नहीं मिल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे जो कैमराज हैं आपके स्मार्टफोन के, वो लो लाइट में बेहतर फोटो कैप्चर कर सकते हैं, आपके वीडियो जो आप कैप्चर करते हैं वो और स्टेबलाइज हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रेवोल्यूशनरी स्मार्टफोन के कैमरा में अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। बाकी देखते हैं 2022 में आगे क्या होता है। बिल्कुल, लेकिन अब तक जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि 2022 आपके लिए टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी अहम साल रहने वाला है, क्योंकि न सिर्फ आपके किचन में बल्कि आपके स्मार्टफोन से लेके स्मार्ट गैजेट से लेके मेटावर्स के जरिए आपकी लाइफस्टाइल सब में बदलाव आएगा, सब में अपग्रेडेशन आएगा। बस देखना ये है कि आप इसको कितनी खूबसूरती से अपनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। कंज्यूमरिस्ट किंग में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।